गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड सेफ लाइक एज मी। सो गाइस, सीएनसी बीएमसी टैग के पहले एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन की। तो सीएनसी मशीन के जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। तो फर्स्ट जो कंटेंट है, फुल नेम ऑफ सीएनसी, सीएनसी को कंप्यूटर एंड न्यूमेरिकल कंट्रोल के अलावा और किन नामों से जाना जाता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ सीएनसी, सीएनसी की परिभाषा क्या होती है, क्या करेक्ट डेफिनेशन होती है सीएनसी को, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ सीएनसी, सीएनसी का इतिहास क्या है, सीएनसी से पहले काम कैसे होता है, सीएनसी की मदर ऑफ मशीन किसको कहते हैं, सीएनसी का ओल्ड वर्जन क्या था, सीएनसी का लेटेस्ट वर्जन क्या है और एडवांस वर्जन अभी क्या है, इन सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और फोर्थ जो हमारा कॉन्टेंट है, टाइप्स ऑफ सीएनसी, सीएनसी के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी मशीन सीएनसी होती हैं, क्या बीएमसी को भी सीएनसी कह सकते हैं, क्या एचएमसी भी सीएनसी होती है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, इंटरेस्टेबल वीडियो पाने के लिए। थैंक यू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीएनसी, फुल नेम ऑफ सीएनसी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, इस नाम से तो मैक्सिमम लोग जानते ही हैं। सेकंड वन है कन्वेंशनल न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड थर्ड वन है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो दोस्तों, सीएनसी को हम इन तीनों नामों से जानते हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कन्वेंशनल न्यूमेरिकल कंट्रोल और कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल भी कहते हैं। तो आप कहीं मिसगाइड मत रहिएगा, कंफ्यूज मत रखिएगा, तीनों नाम से हम सीएनसी को सीएनसी कह सकते हैं और तीनों नाम होते हैं। तो नेक्स्ट कंटेंट जो हमारा है उस पर चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ सीएनसी, सीएनसी के हम यहाँ पर दो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारी मशीन विच इज ऑपरेटेड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड सीएनसी। मतलब सिंपल है दोस्तों, वह मशीन जो कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट की जाती है या संचालित की जाती है सीएनसी कहलाती है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना चाहें और आप डेफिनेशन को अच्छा करना चाहें तो कह सकते हैं मशीन विच इज ऑपरेटर इज मशीन विच इज ऑपरेटेड विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर, हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सीएनसी, इज कॉल्ड सीएनसी। मतलब वह मशीन जो कंप्यूटर की सहायता से संचालित की जाती है सीएनसी कहलाती है। हालांकि दोनों की बात एक ही है तो आपको जो सूटेबल लगे वो नोट कीजिएगा। सेकंड अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मशीन controlled by computer is called CNC. Any numerical value of machine controlled by computer is called CNC. मतलब किसी भी numerical value को computer द्वारा control करना CNC कहलाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको दोनों definition बताई है, जो आपको suitable लग रही है आप उसको note कीजिए, उसको याद रखिए। तो दोस्तों, हमारा थर्ड जो कंटेंट है उसकी तरफ चलते हैं। अभी तक का आपको वीडियो लगा कैसे है दोस्तों? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है तो प्लीज यार लाइक करो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो थर्ड हमारा जो कॉन्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ सीएनसी, सीएनसी का इतिहास क्या है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे 80 के दशक की। 80 के दशक में दोस्तों क्या था कि व्हीकल मार्केट की, मार्केट में जो है व्हीकल्स की डिमांड बहुत कम थी, लाइक मोटरसाइकिल, बसेस, स्कूटर, ट्रक से इनकी डिमांड कम थी। तो कंपनी जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत कम होता था। तो प्रोडक्शन कम था, पहले एक मशीन होती थी लेथ, इसका आपने नाम सुना होगा, ये टोटली मैनुअल मशीन होती थी।
और यहाँ पे 100% वर्क जो था मैनुअल होता था, लेकिन इसकी जो आउटपुट थी, इसकी जो कैपेसिटी थी, इसकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा कम थी। यानी कि यहाँ पे हम 24 घंटे में जो आउटपुट यहाँ से लेते हैं, अगर हम बात करें आजकल की, तो सीएनसी मशीन सिर्फ 4 से 5 घंटे में वो आउटपुट आसानी से दे सकती है जो 24 घंटे में ये कर पाती थी। सो गाइस, अगर हम बात करें धीमे धीमे क्या हुआ, कंप्यूटर का जमाना आया तो लोगों ने कंप्यूटर में इंटरेस्ट किया और इंटरेस्ट लेने लगे लोग। तो इंडस्ट्री में भी क्या हुआ कि इस मशीन को, लेथ मशीन को कंप्यूटर के साथ ऐड किया, फिर ये सीएनसी लेथ कहलाने लगी। सीएनसी लेथ जब इसको कंप्यूटर के साथ ऐड कर दिया तो ये सीएनसी लेथ कहने लगी। धीमे धीमे क्या हुआ कि मशीन की टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस आई। आजकल जो मशीनें आई हैं अब वो हो गई है सीएनसी टर्निंग। तो बात करेंगे मदर ऑफ मशीन की, तो लेथ मशीन को हम मदर ऑफ मशीन भी कह सकते हैं। लेथ मशीन को हम मदर ऑफ मशीन भी कहते हैं। यहां लेथ का जो एडवांस था मैंने आपको बता दिया, अब जो फाइनल एडवांस है सीएनसी टर्निंग है। इसका जो एडवांस आ गया है वो सीएनसी टर्न मिलिंग है। बात करेंगे नेक्स्ट आगे कंटेंट पे, इस पे इसका भी जो एडवांस है सीएनसी टर्न मिलेंगे। तो यहां हमने आपको सीएनसी का इतिहास बताने की कोशिश की है दोस्तों, कैसे आई है सीएनसी। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीएनसी। तो दोस्त वर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है, इसके लिए मैं इन चीजों को रिमूव करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। सीएनसी यहां पर 2 एक्सिस होती है और यहां पर 3 एक्सिस और मोर अप टू 5 एक्सिस। यहां पर जो होते हैं एक्सिस दोस्तों अच्छे होते हैं, आपको डाउट है अब एक्स और जेड ये यहां पर एक्सिस होते हैं। मतलब एक्सिस मतलब होता है कटिंग, मशीन किस डायरेक्शन में कटिंग करती है, इन पर भी डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो यहां पे आती है हमारी सीएनसी लेथ और सीएनसी टर्निंग। यहां पे एक मशीन दोस्तों और आती है, इसको हम बोलते हैं सीएनसी टर्न मिलिंग। अब बात आती है दोस्तों सीएनसी टर्न मिलिंग। तो सीएनसी 3 मशीनें होती हैं, यहां पे जो हमारी आती हैं वो होती हैं वीएमसी और एचएमसी। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या बीएमसी भी सीएनसी होती है? हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 100%। जैसे कि आपने डेफिनेशन में जाना था कि एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मशीन कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड सीएनसी। तो दोस्तों इसकी भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको सैम कंप्यूटर स्क्रीन होती है, कंप्यूटर के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। सीएनसी होती है वो चीज सेम टू सेम होती है मशीन, वो लेकिन वर्क थोड़ा सा इनका डिफरेंट होता है। जहां ये काम कर सकती है वहां ये नहीं कर सकती, जहां ये कर सकती है वहां ये नहीं कर सकती। बाकी इसको भी हम सीएनसी कहते हैं और कह सकते हैं। अब बात आती है इसका नाम, पूरा नाम क्या है बीएमसी का? तो गाइस बीएमसी का नाम है वर्टिकल मिलिंग सेंटर। अब बात आती है कि इसका नाम पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। एचएमसी का पूरा नाम होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल मिलिंग सेंटर। अब दोस्तों ये बात आती है इनका नाम ये कैसे रखा गया हॉरिजॉन्टल, अगर ये बीएमसीएनसी है तो इनका नाम बीएमसी और एचएमसी कैसे रखा गया? तो दोस्त इसका जो ओल्ड वर्जन था वो होती थी मिलिंग मशीन। कौन सी? मिलिंग मशीन, जो आजकल टूल रूम में आसानी से मिलती है। इन दोनों का ये पहले आई बीएमसी, ये बीएमसी पहले इसमें 3 एक्सिस होते थे एक्स वाई जेड। आजकल जो है ए और बी एक्सिस भी देखने को खूब मिलते हैं, इन दोनों में ये सेम एक्सिस होते हैं। और इनका नाम बीएमसी कैसे पड़ा? तो दोस्त इसका जो लेटेस्ट था इसलिए। दूसरा क्या है बीएमसी, बीएमसी जो कटिंग करती है दोस्तों वीएल वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं, इधर जेड प्लस होता है और इधर जेड माइनस होता है। इसका ये वाला एक्सिस मैंने आपको यहां डिस्क्रिप्शन कर दिया है।
सो दोस्त वीएल वर्टिकल लाइन कहते हैं, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। तो वीएमसी मशीन है जो वर्किंग का स्टाइल है उसका, ऊपर से टूल आता है नीचे कटिंग करता है, ऊपर से टूल आता है नीचे कटिंग करता है, इसलिए इसको वर्टिकल कहा गया। मिलिंग का ओल्ड वर्जन है इसलिए इसको मिलिंग कहा गया, वर्टिकल मिलिंग। मिलिंग मशीन का अपग्रेड वर्जन था इसलिए इसको मिलिंग सेंटर कहा गया। एचएमसी का भी सेम है, एचएमसी की अगर हम बात करें तो ये आप जानते हैं कि ये एचएल लाइन होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इधर इसका जेड प्लस होता है और इधर जेड माइनस होता है। सो गाइस इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो बीएमसी जो एचएमसी जो कटिंग करती है वो इस तरह से करती है, पीछे से आगे जाती है। तो इसका जो लेटेस्ट था मिलिंग, तो यहां भी इसको मिलिंग, इसी मशीन ने इसको जन्म दिया था, और लेकिन इसका अपग्रेड वर्जन था, तो ये जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग सेंटर कहा गया। और दोस्त आपको ये नाम सारे क्लियर हो गए होंगे, तो अब बात कर लेते हैं एक्सिस की। एक्सिस यानी एच, एक्स और जेड सीएनसी में कैसे वर्क करता है दोस्तों। सीएनसी में एक्स प्लस इधर होता है और एक्स माइनस इधर नीचे होता है, मतलब सीएनसी मशीन ऊपर के टूल को कटिंग करती नीचे कटिंग कर रही है, तो एक्स माइनस में कटिंग कर रही है। दूसरा आता है इसका जेड एक्सिस सीएनसी का, तो सो दोस्त बता दूं मैं आपको, जेड माइनस इधर होता है और जेड प्लस सीएनसी में इधर होता है। अगर हम बात करें बीएमसी मशीन की, एक्स और जेड एक्सिस मैंने कैसे काम करते हैं आपको बता दिए। बीएमसी में दोस्तों इसका उल्टा है, अगर हम बीएमसी की बात करें तो एक्स एक्सिस बीएमसी में जो इसका जेड होता है वो इधर एक्स माइनस और एक्स प्लस हो जाता है, और ये जो सामने वाला एक्सिस होता है, मतलब आप मशीन यहां खड़ा है, आपका टूल पीछे कटिंग कर रहा है या आगे कटिंग कर रहा है, बीएमसी मशीन में ये होता है वाई प्लस और ये होता है वाई माइनस। ये एक्सिस होते हैं, मतलब किधर मशीन से कटिंग करवाना चाहते हो वाई प्लस में, ये इसको, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट, सो गाइस इसमें अब रह गया आपका जेड एक्सिस बीएमसी। तो जेड एक्सिस कैसे काम करता है बात करूं मैं, जेड एक्सिस जैसे मैं पहले बता चुका था आपको, जेड एक्सिस ऊपर से नीचे, ये जो मैंने दिखाया है ये आगे से पीछे है, ऊपर से नीचे, ये जेड एक्सिस होता है। फिर दिखा देता हूं एक बार, जेड प्लस जेड माइनस, ये ऊपर से नीचे काम करता है। अब बात आती है ए और बी एक्सिस क्या होते हैं। ए और बी एक्सिस होते हैं दोस्तों रोटरी के एक्सिस। इनमें क्या होता है, रोटरी कैसे काम करती है, रोटरी जिन लोगों ने देखे वो समझ पाएंगे। अगर मैंने कुछ ही पार्ट को ऑपरेशन करना है, मान लीजिए मेरा ये जॉब है और इस जॉब पे मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, तो ऊपर से मेरा टूल आया बीएमसी में और यहां मैंने ड्रिल कर दिया, हो सकता है ये सेम ड्रिल मुझे नीचे से जरूरत है नीचे से करने की, तो नीचे नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या है, रोटरी जो एंगल होता है वो रोटरी ऐसे पार्ट को घुमा देगी और आप इधर भी ड्रिल यानी 180 डिग्री पर ड्रिल आसानी से कर पाएंगे। कोई भी ऑपरेशन है आप 180 डिग्री पर 360 डिग्री पर कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं ए और बी एक्सिस की हेल्प से। सो गाइस अब आती है बात इस मशीन की कि सीएनसी टर्न मिलिंग क्या होती है। सीएनसी टर्न मिलिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मशीन का ये एडवांस है, तो वो सारे काम जो ये जितने काम करती है ए टू जेड काम ये मशीन कर सकती है। यहाँ पे भी काम चक पर होता है और यहाँ पे भी काम चक पे होता है CHUCK चक पे काम होता है, तो ये सारे काम कर सकती है, बल्कि इससे भी एडवांस है ये काम कर सकती है, जो काम है मिलिंग है, ड्रिलिंग है, रीमिंग है, फेसिंग है, ये सारे काम, ग्रूविंग है, सब कुछ ए टू जेड काम ये मशीन कर सकती है जो काम। अब के बात करें हम तो इसकी तरह ये सारे जो काम ये बीएमसी करती है वो काम सीएनसी टर्न मिलिंग भी कर सकती है। तो इसका नाम सीएनसी टर्न मिलिंग क्यों रखा गया, अब इस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। टर्न मिलिंग इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये सीएनसी, तो इसका सीएनसी आ गया, टर्निंग से इसका टर्निंग आ गया। अब मिलिंग वाले जो काम करती है ये मिलिंग मशीन, मतलब रीमिंग टेपिंग जो, मतलब ये मशीन जो काम कर सकती है वो ये भी कर सकती है, तो मिलिंग वाले काम भी ये मशीन करती है, इसको जिसका नाम सीएनसी टर्न मिलिंग रखा गया। सो गाइस मुझे लग रहा है कि आपको सारे डाउट सीएनसी बीएमसी से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। कुछ अगर डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो प्लीज चैनल को लाइक करो। ऐसी वीडियो आगे आप कौन सी वीडियो आप पाना चाहते हैं मुझसे, चाहते हैं कौन सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।